हेलो एवरीवन, एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं हिम नील को बेड पर पुश करता है और फिर धीरे धीरे उसके शर्ट में हाथ डालते हुए उसके करीब आता है और फिर उससे कहता है, अगर तुम रिलैक्स होना ही चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। यह कहते हुए वह अपना शर्ट रिमूव करता है और फिर वह नील का भी शर्ट निकाल देता है और फिर किस करते करते उसे बेड पर पुश करता है और फिर उसके ईयर के पास आकर कहता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? यह सुनकर नील कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम पूछोगे ही नहीं और मेरा जवाब इस तरीके से है। यह कहते हुए वह हिम को टर्न करता है और फिर उसे किस करते करते पेट पर पुश करता है और दोनों साथ में फिर हॉट सी नाइट कंज्यूम करते हैं। हॉट सेशन के बाद दोनों साथ में लेटे हुए थे। हिम नील से कहता है, मैं इस तरीके से ही हर रोज खुश रहना चाहता हूँ। यह सुनकर नील कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कह रहे। तो इस पर हिम कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सिर्फ तुम्हारा ही तो हूँ एंड थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। यह कहकर हिम नील के लिए इस पर किस करता है। अगली सुबह हिम नील के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर नील भी आ जाता है। नील ब्रेकफास्ट को देखते हुए कहता है, तुमने क्या बनाया है? हिम कहता है, बस अमेरिकन ब्रेकफास्ट। यह सुनकर नील कहता है, वाह इसकी स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हिम नील के करीब जाकर कहता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं। यह कहते हुए वह नील के करीब आ जाता है और जैसे ही वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर हनी आ जाती है और वह हिम से कहती है, भाई मुझे भूख लगी है। यह सुनकर वो दोनों दूर हट जाते हैं। हिम कहता है फिर, हाँ तो ब्रेकफास्ट रेडी है ना, चलो मैं सर्व कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें नील को उसकी सीट तक लेकर जाना होगा। तो हनी ओके कहती है और फिर नील का हाथ पकड़कर उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आ जाती है और फिर तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। हनी नील को खाना खिला रही थी और यह सब देख कर हिम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी हनी पूछती है, हिम आज तो तुम क्या कहीं जा रहे हो? तो इस पर हिम कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। हनी कहती है, तो आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर हिम थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तो हनी कहती है, मेरा मतलब है आप अक्सर यहाँ पर घर नहीं आते हैं ना, और जब आप नहीं आते तो मैं यहाँ पर अकेली पड़ जाती हूँ। यह सब सुनकर हिम काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वह हनी से कहता है, कोई बात नहीं हनी, लेकिन अब से तुम बिल्कुल भी अकेली नहीं रहोगी और वैसे क्या मैं नील को भी हमारे घर ला सकता हूँ? तो इस पर हनी कुछ देर सोचकर हाँ कह देती है और यह सब सुनकर नील को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हनी उसे धीरे धीरे अपनाने की कोशिश कर रही है। और फिर वह हिम से कहता है, आज तो तुम फ्री हो ना, तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर फन करें? तो इस पर फिर हिम भी हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हनी और नील पुल में खेल रही थी और कुछ ही देर में वहाँ पर हिम भी आ जाता है और फिर वह भी उनके साथ मिलकर खेलने लगता है और बीच बीच में जब भी उसे वक्त मिलता है वह नील के साथ भी रोमांस करता है। और जब वे लोग काफ़ी देर तक फन कर लेते हैं तो नील हनी को लेकर आ जाता है और उसे बुआ के साथ सावा लेने के लिए भेज देता है। हिम नील से कहता है, क्या तुम आज रात और यहाँ पर रुक सकते हो? तो इस पर नील कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं देना चाहता, मुझे लगता है कि मुझे मेरे रूम चले ही जाना चाहिए। हिम नील के सर पर हाथ रखता है और फिर उससे कहता है, हमें तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वैसे भी अब काफ़ी लेट हो चुका है तो तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। यह सुनकर फिर नील भी ओके कह देता है और कहता है, ठीक है ले मैं मॉर्निंग में चला जाऊँगा। तो फिर हिम भी ओके कह देता है। दूसरी तरफ हमें चाओ और पाई को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉर्स सेशन के बाद साथ में लेटे हुए थे। चौपाई से कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुमने भी मुझसे कभी प्यार किया है? यह सुनकर पाई कुछ नहीं कहता। चाओ कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन क्या तुम किसी और से भी प्यार नहीं करोगे? यह सुनकर पाई थोड़ी देर तो कुछ नहीं कहता और फिर वह चाओ से कहता है, हम लोग अभी जैसे हैं प्लीज़ वैसा ही रहने दो। चाओ पाई से कहता है, हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। यह कहकर वह पाई को किस करने लगता है। तो फिर पाई भी चाओ को रिटर्न किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं पाई और चाओ हिम और नील से मिलने के लिए आते हैं। पाई फिर नील से पूछता है, अब तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? यह सुनकर वो दोनों पहले तो एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हैं और फिर नील पाई से कहता है, एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यह सुनकर पाई खुश हो जाता है और वह नील को कंग्रेचुलेसन विश करता है। नील पाई से कहता है, और पाई
तुम्हारे बारे में क्या, तुम दोनों की क्या अपडेट है? यह सुनकर पाई कहता है, कुछ नहीं, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। और यह सब सुनकर चाव काफ़ी ज़्यादा सीड हो जाता है। तभी हिम पाई से कहता है, क्या तुम आजकल टाइप से बातें करते हो? क्योंकि उसने मुझे तुमसे बात करने को कहा था। यह सुनकर चाव हिम से कहता है, क्या तुम उसे जानते हो? हिम कहता है, हाँ वह मेरा कजिन है। यह सुनकर चाव कहता है, ओ तो तुम्हें उससे ही पाई के बारे में पता चला? तो इस पर हिम हाँ कहता है। चाव कहता है, कुछ नहीं, वह बस इसका अक्स है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वह अब पाई से चाहता क्या है। तो इस पर हिम कहता है, वह पाई को वापस पाना चाहता है। चाव यह सुनकर कहता है, ऐसा करने के लिए उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। यह सुनकर पाई कहता है, ये तुम कुछ ज़्यादा ही कह रहे हो। लेकिन ये सब सुनकर नील और हिम काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लगते हैं। फिर पाई नील से कहते हैं, हाँ टाइप मुझे फिर से पाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर हिम कहता है, पाई लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है? पाई कहता है, हाँ मुझे भी लगा, लेकिन इस बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता। और तभी हमें एक मैन को दिखाया जाता है जो कि उन सब की पिक ले रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, चाव और टाइप दोनों पाई का इंतजार कर रहे थे। टाइप पाई के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा काम हो गया ना, तो चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर चाव आ जाता है और वह टाइप से कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसे घर हमेशा मैं लेकर जाता हूँ। टाइप कहता है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो क्या तुमने इस बारे में पाई से पूछा? तो चाव कहता है, वह भी चाहता है कि मैं उसे घर लेकर जाऊं। उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है और यह देखकर पाई कहता है, हे तुम दोनों आर्ग्यू करना बंद करो। और फिर वह टाइप से कहता है, टाइप मुझे चाव से कुछ बात करनी है, तो प्लीज़ तुम घर चले जाओ। टाइप कहता है, ठीक है लेकिन कल मैं ही तुम्हें घर ड्रॉप करूँगा। यह सुनकर पाई कहता है, हम लोग इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो फिर टाइप ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। चाव फिर पाई से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम भूले नहीं, हम दोनों साथ में आज डिनर करने वाले हैं। यह सुनकर पाई कहता है, चाव प्लीज़ आज मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो खाने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। यह सुनकर चाव कहता है, ठीक है लेकिन प्लीज़ तुम मेरे साथ डिनर तो कर ही सकते हो। यह कहकर वह पाई के हाथों को एक्सक्यूज करने लगता है और पाई ये सब देख कर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और फिर वह ओके कह देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, डिनर के बाद पाई और चाव पाई के घर आ जाते हैं। पाई अपने रूम में जाने लगता है लेकिन चाव भी साथ में जा रहा था। यह देख कर पाई डोर को बंद कर देता है और फिर कहता है, मुझे तो लगा था कि हमारी बातें ख़त्म हो चुकी है। यह सुनकर चाव कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो बस वॉशरूम जाना चाहता था। तो इस पर पाई कहता है, तुम मुझे घर ड्रॉप करना चाहते थे ना, और तुमने मुझे घर ड्रॉप भी कर दिया। देखो अब मैं घर पर हूँ तो तुम जा सकते हो। यह सुनकर चाव कहता है, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और प्लीज़ क्या मुझे तुम अंदर भी नहीं आने रख सकते? आई प्रोमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं थकाऊंगा, प्लीज़ मैं बस तुम्हारे ख्याल रखना चाहता हूँ। पाई कहता है, मुझे लगता है कि जो भी मैंने कुछ कहा वह समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस पर चाव कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें जीतने में अपने पूरे एफर्ट नहीं लगाऊंगा तो फिर मैं उससे जीतूंगा कैसे? यह सुनकर पाई कुछ नहीं कहता और सिर्फ ये कहकर चला जाता है, मैं थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। यह कहकर वह अपने रूम में चला जाता है और पाई की बातें सुनकर चाव काफ़ी ज़्यादा सीड उठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ पाई को दिखाते हैं जिसका भी शायद यही हाल था, और यहाँ देखकर लगता है कि पाई भी शायद तक चाव को पसंद करने लगा है। नाइट में दिखाते हैं, पाई अपने और टाइप की फ़ोटो देख रहा था और तभी उसके पास टाइप का कॉल ही आ जाता है। और जब पाई कॉल पिकअप करता है तो टाइप कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम कॉल पिकअप नहीं करोगी। तो इस पर पाई कहता है, कहो तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? तो इस पर टाइप कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें कॉल करना चाहता था। वैसे तुम ये बताओ कि तुम अभी क्या कर रहे हो? यह सुनकर पाई कहता है, तुम ये बताओ कि तुम मुझसे बात क्या करना चाहते हो? यह सुनकर टाइप कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएं। पाई कहता है, जब तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है ही नहीं तो फिर तुम मुझे फिर से तुम्हारे साथ आने के लिए कैसे कह सकते हो? यह सुनकर टाइप सोचने लगता है कि पाई ने उससे पहले कहा था कि वह उन दोनों की रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहता है, वह किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहता। यही सब सोचते हुए टाइप कहता है, लेकिन प्लीज़ क्या मुझे एक और चांस मिल सकता है? पाई कहता है, लेकिन अब मेरे पास चाव है,
यह सुनकर टाइप को एक पल तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन कोई बात नहीं, तो फिर मैं तुम्हें घर तो छोड़ ही सकता हूँ, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसी में खुश हूँ। यह सुनकर फिर भाई भी ओके कह देता है और फिर से वह अपनी और टाइप की फ़ोटो देखने लगता है। अगले दिन चाव काफ़ी ज़्यादा सीट था और वह ड्रीम से कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं उन सबको अब और हैंडल कर पाऊँगा। यह कहते हुए वह अपना सर नीचे कर लेता है। ड्रीम को लगता है कि चाव रोने लगा है, तो कहता है, हे प्लीज़ रोना बंद करो। चाव उठकर कहता है, हे मैं रो नहीं रहा, मैं तो बस अपनी आंखों को रब कर रहा था। यह सुनकर ड्रीम कहता है, ओ रियली, लेकिन जब तुमने भाई को उसके कार में जाते हुए देखा था तब तो तुम काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। और यह कहते हुए वह फिर चाव को टाइप की IG पोस्ट दिखाता है और जब चाव देखता है तो उसमें भाई और टाइप के साथ में फ़ोटो थी और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और यह देखकर सच में इस बार चाव रोने लगता है और तभी वहाँ पर हिम भी आ जाता है और वह चाव को देखते हुए कहता है, इसे क्या हो गया। ड्रीम हिम से पूछता है, क्या टाइप फिर से भाई को पाने की कोशिश कर रहा है, चाव मुझे इसी बारे में बता रहा था। यह सुनकर हिम कहता है, हाँ क्यों क्या हुआ। ड्रीम कहता है, टाइप ने फेसबुक पर पोस्ट डाला है कि वो दोनों फिर से एक साथ हो गए हैं और इसी वजह से चाव ऐसा बिहेव कर रहा है। यह सुनकर चाव ड्रीम से कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमें एक बार भाई की बात भी तो सुन लेनी चाहिए। यह सुनकर ड्रीम कहता है, हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बस उसके लिए बस फ्रेंड विद बेनिफिट बन कर ही रह गई हो। यह सुनकर चाव कहता है, लेकिन उसने मुझे अपने रूम में भी आने दिया। यह सुनकर हिम कहता है, तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वहाँ पर टाइप नहीं गया होगा और उन दोनों के बीच वो सब नहीं हुआ होगा। यह सुनकर चाव कहता है, ठीक है तो फिर मैं पाई से ही पूछ लूँगा। इस पर ड्रीम कहता है, लेकिन तुम उससे कैसे पूछोगे। यह सुनकर हिम कहता है, चाव क्या तुम श्योर तो हो ना कि भाई तुम्हारा ओनली वन है, अगर तुम श्योर हो तो तुम्हें उससे डायरेक्टली बात करनी चाहिए। यह सुनकर फिर चाव भी ओके कह देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, भाई जब अपनी शॉप आता है तो काव उससे बताता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर भाई जब दूसरी तरफ देखता है तो वह देखता है कि वहाँ पर टाइप था, तो भाई टाइप के पास आता है और उससे कहता है, तुम रोज़ रोज़ मेरा इंतज़ार करते थकते नहीं। तो इस पर टाइप कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अच्छा है ना कि मैं रोज़ रोज़ तुम्हारा चेहरा देख पाता हूँ। और फिर वह उसके नज़दीक आकर कहता है, और तुम अब भी बिल्कुल पहले की तरह ही क्यूट हो। और तभी वहाँ पर चाव भी आ जाता है और जब वह उन दोनों को उस तरीके से देखता है तो उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और यह सब देख कर भाई काफ़ी ज़्यादा सेड हो जाता है और वह वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है और जाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। नाइट में दिखाते हैं, ड्रीम और चाव काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो नशे के हाथ में सीढ़ियों में ही गिर जाते हैं। और तभी चाव जो भी अपना शिफ्ट ख़त्म करके लौट रही थी और जब वह उन दोनों को देखती है तो वह उन दोनों के पास जाकर कहती है, हे तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी ड्रीम नशे की हालत में कहता है, तुम तो उस रूम वाली गोस्ट हो ना। यह सुनकर चाव कहता है, नहीं ये तो नील के फ्रेंड है। चाव जो उन लोगों से कहती है, तुम लोग घर कैसे जाओगे क्योंकि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गए हो। यह सुनकर चाव कहता है, हम लोग बस कैब बुक करके चले जाएंगे। लेकिन फिर वह कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं मैं तो किसी और के साथ जाऊंगा। और यह कहते हुए फिर वह ड्रीम को चाव चुम को देते हुए कहता है, प्लीज़ तुम इसे लेकर चले जाओ। और यह कहते हुए वह वहाँ से निकल जाता है। चाव चुम चाव को मना करना चाहते थे लेकिन चाव तो वहाँ से निकल चुका था, तो मजबूरी में उसे ही ड्रीम को संभालना पड़ता है। और फिर वह संभालते संभालते उसे फ्लैट लेकर आ जाती है और जब वह उसे की कार्ड पूछती है तो यह सुनते ही तो ड्रीम तो बेहोश हो जाता है। यह देखकर चाव चुम काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाती है और फिर मजबूरी में उसे अपने रूम में घसीटते हुए लेकर जाना पड़ता है। अगले समय जब ड्रीम की आंखें खुलती है तो फिर वह चाव का मैसेज देखता है जिसमें लिखा था, हम लोग लास्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गए थे। यह देखकर ड्रीम कहता है, क्या हम लोग सच में इतना ड्रंक हो गए थे। और जब वह ऊपर देखता है तो उसकी नज़र चाव चुम पर पड़ती है तो वह उसके पास जाकर कहता है, हे तुम क्या कर रही हो। यह देखकर चाव चुम घबरा जाती है और कहती है, ओ तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ड्रीम कहता है, तुम भले क्यों डरने लगी, डरना तो मुझे चाहिए था। यह सुनकर चाव चुम कहती है, कुछ ज़्यादा मत सोचो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर लाना भी नहीं चाहती थी, मुझे लगा कि तुमने अपना की कार्ड खो दिया और मुझे मिल भी नहीं रहा था, इसलिए मैं तो मजबूरी में तुम्हें लेकर आई। ड्रीम कहता है, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर ला चुकी हो ना।
एनीवे थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर रहने देने के लिए। इस पर चाउचुम कहती है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आती ना, तो तुम पता नहीं रोड के किसी साइड में पड़े होते। और वैसे फॉरेस्ट बन गया है, तो क्या तुम खाना चाहोगे? यह सुनकर ट्रिम उस फॉरेस्ट को देखता है और फिर कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या ये तुमने मेरे लिए बनाया है? यह सुनकर चाउचुम कहते हैं, नहीं, ये सब मैंने मेरे लिए बनाया, और अगर तुम खाना ही चाहते हो तो तुम खुद ही ले लो। यह कहते हुए वह खुद अपना पॉरिज लेती है और वहाँ से चली जाती है। और जब ट्रिम लेने लगता है तो कहती है, बाउल दूसरी तरफ रखा है तो तुम खुद ही ले लो। यह सुनकर ट्रिम स्माइल करता है और फिर वह पहले पॉरिज की पिक लेता है। और फिर साथ में जैसे ही वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, तभी चाउचुंग के पास नील का कॉल आ जाता है। तो वह ट्रिम से कहता है, नील मुझे कॉल कर रहा है, तो प्लीज़ तुम एक शब्द भी मत बोलना। यह सुनकर ट्रिम भी ओके कह देता है। लेकिन जब चाउचुंग कॉल पिकअप करती है तो नील कहता है, हे क्या तुम ट्रिम के साथ हो? यह सुनकर चाउचुंग शोक हो जाती है और कहती है, नहीं मैं उसके साथ कैसे हो सकती हूँ? नील कहता है, लेकिन मैंने उसकी स्टोरी में देखा था, वही पिंक वाला पोर था जो मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दिया था। यह सुनकर चाउचुंग कहती है, हे ऐसे और भी तो बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, और तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। यह सुनकर नील कहता है, ओह आई सी, तो फिर तुम जरा अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करना। और जैसे ही चाउचुंग कैमरा ऑन करती है, बैक कैमरा होने की वजह से उसे ट्रिम दिख जाता है। और यह सब देखते हुए चाउचुंग तुरंत अपने फ़ोन को नीचे कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद में वह फ्रंट कैमरा ऑन करके नील से बातें करने लगती है। नील कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अकेली थी। यह सुनकर चाउचुंग कहती है, वो बस कोइंसिडेंस था। यह सुनकर नील कहता है, कौन सा कोइंसिडेंस? चाउचुंग कहती है, इसके बारे में मैं तुम्हें कॉलेज आकर बताऊंगी। और यह कहकर वह कॉल कट कर देती है। ट्रिम तो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। और यह देखते हुए चाउचुंग कहती है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ था, तुमने वो स्टोरी क्यों पोस्ट की? यह सुनकर ट्रिम कहता है, मुझे कैसे पता था? तो यह सुनकर चाउचुंग बस ट्रिम की तरफ ही देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें हिम और नील को दिखाया जाता है। हिम जब नील को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करता है तो नील इस पर थैंक यू कहता है। हिम कहता है, क्या मुझे थैंक यू के अलावा कुछ और मिल सकता है? यह कहते हुए वह अपने जिक्स को आगे कर देता है। नील ये सब देखकर मुस्कुराने लगता है। और जैसे ही वह किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हिम अपना फेस टर्न कर लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों की लिप किस हो जाती है। यह देखकर नील हिम के चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे थे? हिम स्माइल करता है और फिर वह नील के बालों पर जेंटली क्रेस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊँगा। नील भी ओके कहता है। और वह जैसे ही बाइक करके जाने वाला था, तभी सामने से एक बाइक वाला आ जाता है और नील का एक्सीडेंट होने ही वाला था। और यह सब देखकर हिम काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या नील का सच में एक्सीडेंट हो जाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या नील के एक्सीडेंट के पीछे किसी का हाथ हो सकता है? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।